Hey friends, how are you all? Welcome once again to our channel GOODLUCK Institute, a session of English language. तो आज हम सीखने वाले हैं about do का use. पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि about, अगर हम सिंगल about की बात करते हैं तो ये हमारी एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के बारे में, जैसे about money, पैसे के बारे में, about Delhi, Delhi के बारे में, about you, आपके बारे में. लेकिन हम जो आज करने जा रहे हैं वो है about do. इस पूरे about do का मतलब होता है वाला है. अगर हम प्रेजेंट में बात करते हैं, पास्ट में बात करेंगे तो यहाँ आ गया वाला था, और फ्यूचर में होगा तो ये वाला होगा आ गया. मतलब इन सभी केसेस में हम कोई प्रिडिक्शन करते हैं, यानी किसी चीज को लेकर हम कोई अनुमान लगाते हैं कि ये काम होने वाला है. तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको अपनी एक प्रिडिक्शन देनी है, ठीक है. अब जैसे आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, बारिश होने वाली है, ठंड बढ़ने वाली है, तुम मुझे कुछ बताने वाले थे, ठीक है, मैं उससे मिलने वाला था, इन सभी चीजों, ऐसी चीजें जिसके अंदर आपको लगता है कि आप कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो वहां पर हमारा अबाउट टू का यूज किया जाता है. आइए इसके हम पार्ट्स देख लेते हैं कैसे कैसे इसके पार्ट्स बनेंगे. अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट में, तो हमारे जो इनकी आईडी निकलेगी वो है वाला है, वाली है, वाले हैं, या वाला हूं. हमें क्या करना है, यहां पर सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का यूज करना है, उसके बाद अबाउट टू लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है. तो जैसे आई एम About to teach you, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं. अगर हम बोलते हैं she is not about to come again, वो दोबारा नहीं आने वाली है. अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहां पे आगे जैसे हमने बनाया इसका are you about to visit here again, क्या आप दोबारा यहां आने वाले हो. इस तरीके से हमने इन सारे सेंटेंसेस को प्रिडिक्शन में रखते हुए इनके हमने सेंटेंस बनाए हैं. अगर हम इसको मूव करते हैं पास्ट में, तो हमारी जो आईडी है अब वो आ जाती है वाला था, वाली थी, या वाले थे. अब हमारी पास्ट की प्रिडिक्शन शुरू हो जाएंगी. हमारा रूल कहता है सब्जेक्ट के बाद यहां पर वॉज और वर्ब में से आपको एक लगाना है, then about to, फिर first form object. एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके sentence में कहीं पे भी to आता है तो हमेशा आपकी verb की first form ही लगाई जाएगी. Sentence है यहां पर आपका, जैसे she was about to get ready, वो तैयार होने वाली थी. We were not about to mess with you, हम तुमसे लड़ने वाले नहीं थे, या हम तुमसे पंगा नहीं लेने वाले थे. इंट्रोगेटिव अगर हमारा आएगा जैसे हमने बनाया यहां पे was he about to fight with us, क्या वो हमसे लड़ने वाला था. तो इस तरीके से हमने पास्ट में प्रेडिक्शन अपनी देख ली. अगर हम मूव करते हैं फ्यूचर की तरफ, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर फ्यूचर में हमारी जो आईडी है वो हो जाएगी वाला होगा, वाली होगी, और वाले होंगे. यहां हमारा जो रूल है वो आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद हमें विल यूज करना है, शैल हम यूज नहीं करते, पहले भी आपको बता चुका हूं मैं. उसके बाद अबाउट टू, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे इट विल अबाउट टू रेन, यानी बारिश होने वाली होगी. एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब भी आप कभी किसी मौसम की बात करते हैं तो आपका सब्जेक्ट ऑटोमेटिक इट बनेगा. मोहन विल नॉट अबाउट टू पे द बिल, मोहन बिल नहीं भरने वाला होगा. इंट्रोगेटिव वाला बनाएंगे तो हमारा आ जाएगा विल रवि
about to see us again. क्या रवि हमसे दोबारा मिलने वाला होगा? तो जैसा कि आपने देखा कि हमने अबाउट टू के तीन पार्ट कर लिए हैं, जिसमें हमारा प्रेजेंट, जिसमें हमारी हमेशा जो आईडी आएगी वो वाला है, किसी काम को करने वाला है, पास्ट में किसी काम को करने वाला था और फ्यूचर में किसी काम को करने वाला होगा. चलो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और भी हम. जैसे मैं रमेश से मिलने वाला हूं. आई एम अबाउट टू मीट रमेश. मैं रमेश से मिलने वाला था तो आई वॉज अबाउट टू मीट रमेश. मैं रमेश से मिलने वाला होऊंगा तो आई विल अबाउट टू मीट रमेश. इस तरीके से आपके सारे सेंटेंसेस मिलेंगे. अब मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूं. दैट मींस आई एम अबाउट टू शूट अ न्यू वीडियो. तो इस तरीके से हम अपने अबाउट टू का यूज करते हैं. जैसे मुझे तैयार होना है क्योंकि हम पिकनिक के लिए जाने वाले हैं, तो आई हैव टू गेट रेडी बिकॉज वी आर अबाउट टू गो फॉर पिकनिक. तो जब भी हम किसी काम को बोलना चाहते हैं इस तरीके से, तो हम अपना अबाउट टू का यूज करेंगे. ठीक है, आगे मैं आपको एक चीज और बताऊंगा. कुछ लोग कहते हैं कि हम अबाउट टू की जगह गोइंग टू का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि आप गोइंग टू को कहां इस्तेमाल कर सकते हैं. आज के लिए इतना ही. दिस इज जस्सी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम गुडलक इंस्टीट्यूट. सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू हैवंट येट और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारे इंग्लिश वीडियोस की नई अपडेट्स मिलती रहे. थैंक यू सो मच.